सोलन पुलिस ने शहर में जिस्म फिरोशी के धंधे का पर्दाफाश करते हुए दो युवतियों समेत मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को शामती से पकड़ा गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर पर तपिश दी, जहां मौके पर दो युवतियों व महिलाओं को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। पुलिस तीनों को थाने ले गई, जहाँ उनसे पूछताछ की गई। पकड़ी गई युवतियों में से एक चंडीगढ़ की है, जबकि दूसरी ऊना जिले की रहने वाली बताई जा रही है। इस धंधे की मुख्य सरगना की पहचान शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्र की रहने वाली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शामती में लंबे समय से जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था। इसकी सूचना मंगलवार को पुलिस को भी लग गई। पुलिस ने इस धंधे का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस ने एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर महिला के पास भेजा। महिला व कर्मचारी के बीच बातचीत के बाद डील तय हो गई। इस दौरान महिला ने कुछ और युवतियों को बुलाने का भी ऑफर दिया था, लेकिन डील फाइनल होते ही बाहर इंतजार कर रही महिला पुलिस कर्मचारियों की टीम ने दबिश दे दी और तीनों को पकड़ लिया। पिछले कल जब हमारे SHO महिला पुलिस स्टेशन सोलन मिस्टर नवीन झालटा अपनी टीम के साथ गश्त पे जा रहे थे, तो गुप्त सूचना मिली कि एक महिला है जिसका नाम स्नेहबाला नेगी है। वो यहीं शांति में कहीं रहती है और यहाँ पे जो है एक लड़कियाँ प्रोवाइड करती है पैसे लेके। तो इस पे जो है हमने एक ट्रैप बनाया और एक डकवाय को उनके पास भेजा गया और उनके साथ एक जब डील की गई तो उन्होंने उस एवज में लड़कियां देने का प्रॉमिस किया। इस पे जब वो ये कार्रवाई चल रही थी, इतने में हमारी पुलिस टीम ने उस लेडीज़ को दबोच लिया है और इसमें जो है सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उस महिला के साथ साथ दो लड़कियां भी इसमें डिटेन की गई थी। बट इसमें हमने एक लेडी को जो स्नेहबाला नेगी है उसको इस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया है और उसके मोबाइल वगैरह कब्जे में लिए हैं। आज उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें हर एंगल पे चल रही है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।